आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ जो शादियों में पार्टियों में मीठी चटनी बनती है उसकी रेसिपी, जो बहुत ही चटपटी और अच्छी बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जितनी क्वांटिटी में हमको टमाटर की चटनी बनानी होगी उतनी क्वांटिटी में हम टमाटर को ले लेंगे और उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसको हम पोंछ लेंगे किसी भी कॉटन कपड़े से, टॉवल से या किसी भी कॉटन कपड़े से पोंछ करके, और हम उसको साफ कर लेंगे ताकि पानी निकल जाए। आप कोशिश करें कि देसी टमाटर ही लें, वैसे आप चाहें तो सैलेड टमाटर से भी बना सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि ग्रीन पार्ट जो ऊपर का होता है उसको हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, उसको हमको इसमें नहीं काटना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से हम कट करके और तैयार कर लेंगे। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके और बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, बहुत टाइम भी लगता है और गैस भी खर्च होता है, और इतना टाइम कहाँ है किसी के पास। तो अब मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक यहाँ पे ग्रेटर ली हूँ, ग्रेटर में जो बड़ा वाला पार्ट है हमारा उससे इसको हम ग्रेट करेंगे। हमको छोटे पार्ट से नहीं करना है, हमको बड़े वाले पार्ट से करना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जितने भी आप टमाटर लिए होंगे उस तरीके से आपको प्रेस करके और तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है टमाटर को। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके का हमने क्रस्ट करके और तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कॉस्टली क्रस्ट हमने इसको किया है, यानी कि हल्का ये दरदरा है, इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं या फिर जो तेल आप खाना पसंद करते हैं उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जीरा, ये साबुत जीरा है, तो हाफ स्पून हम यहाँ पे जीरा ऐड कर रहे हैं और हाफ स्पून ही हमको यहाँ पे सौंफ ऐड कर देना है और दोनों को थोड़ा सा हम जलने देंगे। तो देखिए हमारा जल करके और तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं, हमको यहाँ पर पीसी मिर्च नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और अब हम साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च, ये हमने साबुत ही इसमें ऐड किए हैं। अब इन मसालों को हम थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे और भूनने के बाद से जो हमने क्रश करके टमाटर रखा हुआ है इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर चुके हैं, तो अब जलने जैसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम को फास्ट कर लेंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से हम पकने देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है, अब इसमें उबाल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो हमको यहाँ पे अब पीसे हुए मसाले को ही ऐड करना है, साबुत मसाले अब हमको यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मसाले में ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर एक बड़े चम्मच, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चौथाई चम्मच यानी कि बिल्कुल हल्का सा नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हाफ स्पून हम इसमें अब ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, आप देखते जाइए मैं इसमें मसाले क्या क्या ऐड कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में अब मैं इसमें डाल दूंगी बड़ी वाली इलायची जो कि कूटी हुई है, आप चाहें तो यहाँ पे छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है टमाटर का पेस्ट हमारा। तो अब हम थोड़ा सा इसको स्लो कर देंगे गैस का फ्लेम और टमाटर को अच्छे से हम इसमें पकने देंगे। अब हम कुछ इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट करके और तैयार किया है। काजू हम उसको डाल दिए और बादाम भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और इसमें डाल दिए हैं, और कुछ नारियल जो है वो हम लंबे लंबे स्लाइसेस में बिल्कुल पतले पतले कट करके और तैयार किए थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब ये एक थिक सा टमाटर का पेस्ट हमको दिखने लगा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे गैस का फ्लेम और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हो, मीठा या फिर
हल्का मीठा जैसा भी, वैसे तो चटनी है तो थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। और आप इसको किसी भी पूरी पराठे या फिर रोटी किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। और आलू के पराठे के साथ तो ये बहुत ही मस्त लगता है, तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि शक्कर डालने के बाद से इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे आप लोग बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए और कौन सी रेसिपी बनाऊं, आप कमेंट करके और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर की चटनी हमारी बन करके और तैयार हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसे पका लेती हूँ क्योंकि शक्कर डालने के बाद से थोड़ी सी ये चटनी हमको पतली दिख रही है, तो थिकनेस के लिए मैं थोड़ी सी और इसे पका लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखें कि आप इसमें जब भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो आप बिल्कुल बारीक कटा हुआ ही ऐड करें, उसको आपको ग्रेट नहीं करना है। और नारियल तो आप बिल्कुल ही बड़े बड़े टुकड़ों में जो पतला पतला स्लाइसेस होता है इस तरीके का काट के तैयार करके डालें, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो अब हम इस स्टेज पे इसको बंद कर देंगे क्योंकि अभी जब चटनी हमारी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी और अभी ये ठीक होगी, तो इसलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चटनी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब ठंडी हो जाएगी तो हम एक बाउल या फिर एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स अभी तो मैं न्यू यूट्यूबर हूं, अभी मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं शुरू किए हुए वीडियो, अभी मैं आप लोगों के पास बहुत ही रेसिपी डालने वाली हूं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को देखते रहें और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए मुझे क्या बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me that you love me, even if it's